सोया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटा बताओ ना, क्या बात है? मामा, मामा, मैं शेर को छोड़ आई हूँ। सोया, वो ना जी, नीचे वालों की बहू घर छोड़ के भाग गई। वो जोया बाजी है ना, वो नाराज होके कहीं निकल गई है। सच कह रही हो? जी, मैंने खुद सुना है। अभी जब नीचे गई थी तो उनके शौहर और बाकी सब बातें कर रहे थे, तो मैंने सुन लिया। तुम जाओ अपना काम करो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, जोया के यूं जाने पर खुशी हो रही है ना तुम्हें? तो क्या अब मेरा खुशियों पर भी कोई हक नहीं? आ गए आप? बॉस आपका 3 बार पूछ चुके हैं, आप जाके उनसे मिल लें। क्या है सर? रेजिग्नेशन है। बैठो बैठो। कोई अच्छी ऑफर आ गई? नहीं। तो क्या वजह? थक गया हूं सर, रेस्ट करना चाहता हूं। रेस्ट करना चाहते? हाँ, अशर साहब रेस्ट करना चाहते हैं, यानी अब आपको दफ्तर से रेस्ट करने के लिए रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सर कंपनी पे बोझ नहीं बनना चाहता। विल यू प्लीज शट अप, गो टू योर ऑफिस, जाओ एक हफ्ते की अपनी लीव एप्लीकेशन बना के लाओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप? क्यों? और हां सुनो, जाने से पहले एक बात अपने जहन में उतार लो, एक हफ्ते बाद जब तुम छुट्टी को उधार कराओ, तुम्हारे चेहरे पे 12 न बजे हुए। मुझे वही वाला आशा चाहिए जो मेरा स्मार्टेस्ट एम्प्लॉई है, काम करता है जो। नाउ गो सर। रेजिग्नेशन चाहिए, रेस्ट करना है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ मामा, तो आप गाड़ी मत भेजिएगा और इन्हें भी मत आइएगा। फ्रेंड्स के साथ जा रही हो या अशर के साथ जा रही हो? मैं अशर के साथ क्यों जाऊँ?
सच सच बताओ मुझे। मैं अपनी दोस्तों के साथ ही जा रही हूँ, और अगर ऐश्वर्या के साथ जा रही होती तो भी आपको बता दूँ। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? रबाब, क्या हो गया? ऐसे तो मत करो मेरे साथ। और जो आप कर रही हैं मेरे साथ, मेरी दोस्त ने मेरा मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी तुम्हारी मामा तुम पे ट्रस्ट नहीं करती। बेटा, I'm really very sorry. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं अशर के साथ घूम फिर रही हूँ आपसे झूठ बोलकर। आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? और शहनाज आंटी से क्यों कॉल करवाई आपने? मुझे मजीद शर्मिंदा करने के लिए मामा, और उनको ये बताने के लिए कि क्या मैं आपकी बात नहीं मानती? आपने एक दफा कॉल तो की होती मुझे मामा। I'm really very sorry. पता नहीं मुझे क्या हो जाता। फैसला कर लिया मैंने, अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। और अगर आपने इंसिस्ट किया ना मामा, तो मैं अपने साथ वो करूंगी कि आप सॉरी करने के लायक भी नहीं रहेंगी। रबाब, एक सेकंड ठहरो। ओपन द डोर। सोया, कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलिए, मुझे इस टाइम तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज। नहीं, मैंने कहा ना कि इस टाइम पे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? मसले का कोई हल तो नहीं है ना? जाओ से जाकर मना कर लेकर आओ, बीवी है वो तुम्हारी। वो मैंने उसे जाने को नहीं कहा था, खुद अपनी मर्जी से गई है वो, अपनी मर्जी से ही आएगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें कह चुका हूं कि जाओ और उसे मना कर लेकर आओ। अब्बू, उसने आना होगा ना, खुद ही आ जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यह शादी तुमने अपनी मर्जी से नहीं की थी। अशर, शायद तुम्हें भी कुछ कहना होगा मुझसे, बोल दो, तुम भी बोल दो। भाई, मैं कुछ बोलने नहीं आई हूँ, कुछ पूछने आई हूँ। अब क्या करना है आगे? पता नहीं यार। अब आप? सॉरी मैं इस तरह से। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ बोलो। आप जोया को घर वापस ले आए मेरे कहने पर। इनफैक्ट मैं भी जाना चाह रही हूँ। मैं उसे समझाना चाह रही हूँ कि वो जो सोच रही है वो गलत है। आप मुझे साथ लेके जाएंगे ना? मैं चलती हूँ, मामा वेट कर रही है। रबाब,